ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। ये परियोजनाएं ओडिशा में सुविधाओं के साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी लाने वाली है। साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। आयसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी, मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला था। अनेक रुकावटों के बावजूद अब ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है और आप लोगों का जो उत्साह मैं देख रहा हूं ना,
उसे मुझे लगता है कि कैंपस आपको कितना प्यारा लग रहा है।